आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। जनपद मैनपुरी की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, रसोईया, आशा एवं उनकी सहायिका के साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आज प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खेलते हुए अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया तथा इसके बाद मैनपुरी शहर में नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जुलूस भी निकाला। जनपद की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी न होने पर 2 दिवसीय हड़ताल करते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। तत्पश्चात आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मैनपुरी के पूरे शहर के कलेक्टर से लेकर मुख्य मार्ग महाराजा तेज सिंह चौराहे से लेकर आगरा रोड, करहल रोड, स्टेशन रोड, मदार गेट रोड पर हजारों की संख्या में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता शाक्य ने बताया कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ियों से जो वादे किए थे वह अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यदि यही रवैया रहा तो 2019 का चुनाव अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करके दिखाएंगी। वहीं अन्य विभाग के कर्मचारियों ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पर जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। इसके उपरांत उन्होंने पुरानी पेंशन को बाल सातवें वेतन आयोग का न्यूनतम वेतन 26,000 प्रतिमा संविदा एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था बंद कर नियमित नियुक्तियां की जाएं। आंगनवाड़ी संगिनी, रसोईया, सामाख्या, कार्यकत्री, अद्भुत सरकार की बात, न्यूनतम वेतन दिया जाए। चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधित शासनादेश 2510/2018 को वापस लिया जाए। आज मांगों को लेकर कर्मचारियों ने राजस्व विभाग अधिकारी के मौर्या को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से इन समस्याओं को जल्द से जल्द पूर्ति कराए जाने की मांग की। मैनपुरी से सतेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाल, दूसरा है और संविदा पे जो नियुक्तियां की जा रही है वो बंद किया जाए, तीसरा मुद्दा है हमारा मूल वेतन जो है 26,000 किया जाए, और चौथा है जो उसका चिकित्सा प्रतिभूति भत्ते का जियो शासन ने किया है उसको निरस्त। ये हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, उसी को लेकर हम 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं। कल भी थे और आज भी हैं। आज यहाँ जो जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन कार्रवाई होगी कई बिल है, इनमें सरकारी पेंशन बहाल, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सातवें वेतन मान में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रतिमाह किया जाए, संविदा और सोर्सिंग व्यवस्था बंद कर दी जाए, नियमित किए जाए संविदा और सर्विसिंग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रसोईया आदि को सरकार की भांति न्यूनतम वेतन दिया जाए, नियमित किया जाए, चिकित्सा प्रति संबंधी शासनादेश 25/2018 को वापस किया जाए। इनकी करीब 4 मांगे हैं जिन्हें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ज्ञापन एक सौंपने आए हैं। ये हमारा अखिल भारतीय राज कर्मचारी महासंघ सेंट्रल लेवल से आह्वान पे, हम राज कर्मचारी महासंघ प्रांतीय आह्वान पे 2 दिवसीय 8 और 9 जनवरी की हड़ताल थी, जिसमें पहली मांग जो है सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2005 के बाद हमारी नए कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया था, उसको हम दोबारा से स्टार्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन में जो भी पैसा लगता है वो शेयर मार्केट में लगता है और शेयर मार्केट जो होता है पूरा अधीन होता है, और स्थितियों पर कोई भी स्थिति आएगी शेयर मार्केट नीचे जाएगा, हमारी पेंशन जो है वो हो सकता है हम 0 लेके वापस लौटें। दूसरा हमारा मेन मुद्दा है आउटसोर्सिंग वाली सरकार की ये सोची समझी साल है कि पहले उन्होंने पेंशन व्यवस्था को बहाल उन्होंने खत्म किया, और अब अगर वो अगर नई लड़कों को नौकरी नहीं देंगे, नए लड़कों को रोजगार नहीं देंगे, तो ये पुरानी पेंशन के लिए हम लोग जो आज आंदोलन करने के लिए इतने सारे युवा खड़े हैं, वो युवा ही नहीं होंगे तो आंदोलन करेगा कौन।